राम रावण युद्ध सुर भाई अजब मेघनाथ मरा गई बा तो मेघनाथ के हाथ जौन कटल भुजा बा वो कहा जाके गिरल लंका में जहा मेघनाथ के पत्नी सुलोचना अपना सखी के साथे बैठल होत का बबुआ कवर मेघनाथ के सिर भगवान राम के दल में आइल बा तेने होत का बा जयकार मनता श्री रामचंद्र की लखन लाल की रामा दल में खुशी छवले बा तो खुशी अपार जयकार बार बार हो जय हो श्री राम घोष सगरी सुनाइल रावण के सूत मजबूत बलबूत में जो तही तो में ही त इंद्रजीत बा मराइल सिर से बा खेलत ढकेलत बाला तन से देखी दीनानाथ के बचिंदा समाइल नारी हो भारी पतिवरता बलकारी के तमे घनात के सिर बा जतन से धराइल इन्हें बानर भालू ओकरा सिर से खेलता भगवान जब देखले तो कहले कि सिर के जतन से राख ए सिर के ले जाए वाला केहू मौजूद अब होत का बा इन्हें कवर मेघनाथ मरा गई ओकर कटल बा लंका में जहां सुलोचना बैठल बाड़ी अपना सखी लोग के साथ में ओइजा जाके ओकर बाह गिरता होत का बा बबुआ बाबा कभी कहा तारे का कि बनवास कोटल हथवा अरे बनवास कोटल हथवा अरे की रलाया गनवा माराई गई ले रे अरे माराई गई ले रे आज रावण के ललनवा माराई गई ले रे माराई गई ले रे आज रावण के ललनवा माराई गई ले रे आज रावण के ललनवा दासी सब रो तारी देखी देखी पुका थारी दासी सब रो तारी देखी देखी पुका थारी सखी लुकल की हाथ तो राजकुमार युवराज मेघनाथ के बुझा दे चुप खबरदार हमरा पति के बारे में ऐसन वचन बोले के पहले तारा सोचे के पड़े की काहे कल की हम पति व्रता नारी है हमरा पति के ऐसन दशा इहो नहीं कह सकल कहलो की ए हाथ के देखी ए हाथ के देखी ए हाथ दोसर केहू के ना युवराज मेघनाथ के ही हाथ कल की यदि ये हमारा पति के हाथ हो तो ये हाथ हमारा के बताई कि हाँ हम ही तार पति के हाथ है ये हाथ कि हमारा के बतावे के परी आंख से लोर गिरे लगल और रोए लगली
अब वो हाथ से कह तरीका का सुलोचना वो हाथवा से कह तारी भरी भरी आंख लोर लेके बिलाप के धुन लागल आए हाय हाय साचे बतलाई के करा संग भइल लड़ाई कैसे मारल गइल तोहर जनवा हो सजानवा कैसे मारल गइल तोहर जनवा हो सजानवा। अब देखी सती के महत्व कितना है। हाथ इशारा पा करके लखी रुखतासु सखी उठी धाई आ तुरंत खोज खरी ले आई तिन्ही हाथ पर खरी अंगनाई आ लिखत लखन लाल के कीर्ति हाथ लिखल लिखत लखन कीर्ति रुचि राई हाथ लखन लाल के कीर्ति लिखे लागल और हाथ देखी का लिखत या कहत या हाथ लिख के कि लक्ष्मण हमर कैलन ऐसन कहतिए लक्ष्मण हमर कैलन ऐसन कहतिए काहे के चिंता करत बड़ू मन में काहे के चिंता करत बड़ू मन में हम हिंदू होई ताहर पति लक्ष्मण हमर कैलन ऐसन पति सुलोचना हम मेघनाथ के ही भुजा है तो सुलोचना कहतारी बिना पति के जियब हम कैसे बिना पति के जियब हम कैसे यदि तू ही हमार पति हो आ तारी दशा हो गई लक्ष्मण हमर कैलन ऐसन कहती लक्ष्मण हमर कैलन ऐसन कहती लक्ष्मण हमर कैलन ऐसन कहती मेघनाथ के भुजा है तब फूट फूट के रोए लगली
सुलोचना कह तरीका का हो कि जईता नए पिया हो अरे जईता न बन के बलबीरा न फूटते तकदीरा न फूटते तकदीरा मोरे राजा अरे जईता नए पिया जईता नए पिया सुलोचना कह तरीका का मान के सदुरावा बलम धोई दियाला मान के सदुरावा बलम धोई दियाला हथवा के चूड़िया दुलम कई दियाला अखिया से गिरा ताट नीर मन होखा ताय धीर मन होखा ताय धीर मोरे राजा जईता नए पिया अथले ना सुलोचना कह तरीका राम से लड़ैया कदी करे न जईता कहवा भेटै है रघुबीर मांग जाइब तार सीर मांग जाइब तार सीर मोर राजा जईता नए पिया जईता नए पिया सुलोचना रावण के लगे गईली रावण कलश की बेटी चिंता मत कर अभी तक ले हम जानत रहनी सकी वीर रहले सा लेकिन रणभूमि में जा करके काल के गाल में समा गेले सा हे पुत्री सुलोचना हम काल रण में युद्ध करे जाई और राम लक्ष्मण के मुड़ी काट के तोरा चरण में डाल दे सुलोचना मंदोदरी का लगे गईली मंदोदरी कहली की बेटी सुलोचना महाराज रावण के माथा पगला गईल बा कुल खानदान नष्ट करे के कगार पर पहुंच गईल बाड़े आ जब तक ले कुल के समाप्त ना कदी है तब तक ले इनका शांति ना मिली हे बेटी तू एह लोक के छोड़ा परलोक के सवार चल जा राम का लगे तार पति जोन बतैले बा उपा कि हमार मुड़ी राम के शिविर में बा तो हे बेटी सुलोचना तू राम के शिविर में जा करके अपना पति के सिर ले करके चीता पर सती हो करके अपन परलोक के संवार लो
भाई का बबुआ पालकी में बैठ के, पालकी सजल पालकी में बैठ करके सुलोचना रामा दल का और चल ली। जब लंका से बानर लोग देखल कि पालकी आ रहल बा इनका लोग के बुझाइल कि रावण के जब बेटा मारा गईल तो ओकर अकिल ठिकाने लाग गईल आ माता सीता के बाइज्जत राम जी के सौंपे खाती अपन जान बचावे खाती सीता जी के भगवान का लगे भेज दिलस। अब बानर लोग खुश बा आ कहता लोग का बबुआ बाबा बानर लोग कहता हरे लौकता समान में लौकता समान में अरे रवन में के टोली देख आइल डोली हो देख आइल डोली तो का करो राम जी के बोला जय जयकार देख आइल डोली इने भाई का जब डोली रामा दल का लगे आके उतरल तब बानर भालू तो केहू देख लेना रहे सीता जी के एक हनुमान जी दर्शन कैले रहे ए दोनों भाई के अलावा और तो केहू सीता जी के रूप देख लेना रहे इनका लोग के काचिन हाथा की के हा। जब रामा दल में आके सुलोचना उतर ली तब विभीषण जी चिन्ह गए विभीषण जी भगवान से आके कहले कि प्रभु रावण के पतो मेघनाथ के पत्नी सती सुलोचना आइल बाड़ी भगवान कहले की इज्जत के साथ उनका के लेकर के हमरा लगे आई। अब भगवान कहले के सुलोचना पहुंचली आ कहले की हे प्रभु हमरा पति के कटल बा हमरा लगे जाके बतौलस कि हे सुलोचना हम ही तार पति के बा हई आ हमार सिर रघुवीर के शिविर में बा तू जा करके चाहू तो ले सकेलू। अब देखी एने जब भगवान से सुलोचना ही बात कहत रही कि हमर पति के कटल बा हमरा लगे जा के बतौलस कि हमर सिर रघुवीर के शिविर में बा हम ऐनी हा बानर लोग भालू लोग हंसे लगे अतना ही बड़का सती भइल बड़ी अतना बड़का सती भइल बड़ी कि इनकर मरद के कटल बा इनके लगे जाके आ बतावता कि हम तार मरद के बा हई हमर सिर रघुवीर जी हवा चुप रह चुप रह। हां कहली कि देखी हमर मजाक मत उड़ाई सभे सही हम सत्य कहता नहीं हम असत्य को वो बोलने नहीं की हम पतिव्रता नारी हैं हम असत्य भाषण ना करीला बानर लोग कहल भालू लोग कहल कि जदी ऐसन बात बा जब तार मरद के कटल बा तारा किया जाके लिख सकेला बोल सकेला तो तनी हमनियो के देखी जा कि तार मरद के कटल मुड़ी तनी हंस देवो तब हमनी के मानव जा कि तार मरद के कटल बाह जाके आ तारा किया कुछ बतौले बा तो देखी सुलोचना ओ मुड़ी के लेके मुड़िया के गोदी में लेके कटल मुड़ी के खाली सिर बा और मुड़ी के गोदी में लेके ओ मुड़िया से बतियाव तारी हाय 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 अब मुड़िया से कहतारी का कहतारी कि आज हंस के सभे के देखलाई हे स्वामी हे परमेश्वर सब कुछ रहवे के मन ले बानी हम भगवान के पूजा ना और पूजा कहले बानी तो आज हंस के सभे के देखलाई आज सब भी चल जिया बचाई आज हंस के सभे के दिखलाई आज सब अभी चल जिया बचाई आज हंस के सभे के दिखलाई का भाई आज तक ये के संघवा में रहनी बाकी आज ले हम कुछ ना कहनी संघवा में रहनी बाकी आज ले हम कुछ ना
एह अबला के लजिया बचाई, एह अबला के लजिया बचाई, आज सब नीचे हंस के देखाई। अब जान जाई जब सुलोचना अपना बात कहली तब मुड़ी हसल ना, मुड़ी ना हसल। जब सुलोचना कहली कि हे स्वामी, एक बार हमरा से कहले रहती कि हम कमजोर बानी, हमरा और शक्ति के जरूरत बा, और एक बार हमरा से कहले रहती हम अपना बाबूजी के खबर देके बुला करके रउआ और से लड़े खाती भेज देती। हे स्वामी, एक बार रउआ हमरा से ना कहनी कि हे सुलोचने, हमार दल कमजोर बा, हमार बल कमजोर बा, हम कमजोर पड़तनी, एक बार यदि हमरा से कहले रहती हम अपना नैहर खबर भेज के अपना बाबूजी के बुला देती, अपना बाप के सेना के बुला देती, रउआ और से लड़े के भेज देती, और बाल बाका के हुना करी। जब तना बात सुलोचना ओ कटल मुड़ी से कहली, ओ मुड़ी हंस देलस, ओ मुड़ी ठठाक हंस रस, मुड़ी हंसल। विद्वान लोग कहल की मुड़ी काहे हंसल, मुड़ी ऐसे हंसल के रे सुलोचना, जब ना बाप के बोलावे के कहतारू, जब ना बाप के बोला के हमरा ओर से लड़े के कहतारू, तहारू है बाप तो हमरा के मर ले, दोसर के हो मर ले बाप के। नाग सुता दशकंठ पतो है, नाग कन्या सुलोचना रहे, कल के रे अशेषा अवतार लक्ष्मण जी रहे, कल के तार बाप ए दशा के उत्तरदायी बाड़े, तार बापे तो हमर बद कैले मन, आ तू उनके के बुला के हमरा के ऐसन बात कहतर, मुड़ी हंस देलस। बानर भालू लोग लज्जा से मुंह फेर ले लोग, आ देखी सर सुलोचना जोन बाड़ी चीता सजाई, और चीता पर अपना पति के सिर लेकर के जाके चीता पर बैठ गई, चीता पर बैठ के आग लगावल गई ना, विचार करी आग लगावल ला गई, वो में अपने अग्नि प्रज्वलित हो गई। आजे ऐसे बुझाला कि अब आग में केहू चीता पर बैठ गई तो कर जरी शरीर तो करा कष्ट हुई, लेकिन विचार करी शास्त्र हमनी के बतावता कि जे भी धर जो जे पतिव्रती प्रतिव्रता नारी जे होली, अगर वो सती होके खाती अग्नि के बीच में जाके बैठ जास तो अग्नि उनका खाती शीतल हो जाली, अग्नि में ज्वाला ना रहे, उल्लौकी की जलावत दे रही, लेकिन उस अग्नि शीतलता प्रदान करेली उस सती के पतिव्रता नारी के प्रभाव प्रभाव हो। अब देखी एक प्रकार से विमान आई, और विमान में बैठ करके सुलोचना पति के लोक में गईली, कथा हमारे जे रहल।